नए मुख्यमंत्री आतिशी आज कैनॉट प्लेस स्थित तो प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर अरविंद केजरीवाल को अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी इसी मंदिर पहुंचे थे। आतिशी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर 23 सितंबर को कार्यभार संभाला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक बार फिर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। MUDS स्कैम मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई उन याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच भाजपा में CM पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच BJP के वरिष्ठ नेता राव नरवीर सिंह ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। 3 बार के कैबिनेट मंत्री सिंह ने कहा कि वो अपना वक्त गुरुग्राम में हालात सुधारने में लगाना चाहते हैं। झारखंड चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस बीच गिरिडीह जिले की गांडे और हजारीबाग जिले की बरकट्टा विधानसभा में परिवर्तन सभाओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते किए गए भ्रष्टाचार के कारण हेमंत सोरेन जेल गए और जेल से छूटते ही दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर 23 सितंबर की शाम थम गया। केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं इस बीच चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने वाले 21 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 5 एडहॉक और कैजुअल लेबर को सेवा से हटा दिया गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश जून को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राजेश जून के निष्कासन का पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। बिहार चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच बिहार के CM नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक दो बार समझाने से यदि कोई समझ नहीं रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। नए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। पश्चिम चंपारण की CM ममता बनर्जी ने झारखंड सीमा के NH को बंद कर दिया है। इसको लेकर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। उन्होंने 72 घंटे के बाद NH को वापस खोल दिया। अब इस मामले में एक अहम बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है, इसके बाद ये फैसला लिया गया। चुनावी प्रचार में जुटे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार में अपने 56 दिनों के कार्यकाल की तुलना भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के शासनकाल से करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में दलितों के अधिकारों की रक्षा की है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा उनके हकों को छीना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय अगर किसी तरह की गलती होती है तो वे सत्ता में लौटते हैं तो फिर से नौकरियों की बोलियां लगेंगी और गरीब युवाओं के लिए नौकरी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। की भाजपा सांसद कंगना रनौत ने तीनों कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे इस बयान के बाद से मेरा विरोध किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसान हितैषी तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार से फिर से लागू करने की मांग करती हूँ।